नौनिहालों को समझाने के लिए, नई पीढ़ी को बताने के लिए कि बाबा साहब कौन थे। आज परिचय हो जाए फिर बाबा साहब का। बाबा साहब 14 अप्रैल के दिन 1891 में महू छावनी में पैदा हुए और पैदा होने के पश्चात इस पावन धरती को उन्होंने अपने बचपन में मुसीबतों को ओढ़ा पहना। हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं इन्हीं की तरीके से वो भी जब बचपन था उस समय शिक्षा की जो है जो व्यवस्था थी वो अप्राप्त। इस समाज के लिए शिक्षा पाना बहुत ही दुष्कर कार्य था। यानी नहीं का शुक्र गुजार तो यह है कि भारत जब अंग्रेजों का गुलाम हुआ तो अंग्रेजों ने जो है अपने उस नियमों और कानूनों को देखते हुए कि मानव पूरी लगभग 100 साल से यदि उन्होंने पूरी अपनी उम्र 100 साल पूरा नहीं किया। उनकी मृत्यु तो जो है 1956 में हुई और 6 दिसंबर के दिन जिस दिन हम लोग खड़े आए यहाँ तो जो उनकी जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु होने के बाद तो उनका नाम लेवा कोई नहीं था। लोगों के लिए 6 लाख आम लोगों ने आंसू बहाया था उनकी मृत्यु पर, लेकिन उसके पश्चात आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति कोई नहीं था। कि जिस तरीके से बाबा साहब ने दलितों के आंदोलन को लड़े, कमजोरों के आंदोलन को लड़े, कमेरे के जो है कमेरों को सुस्तों के लड़ाइयों को उन्होंने लड़ा, उस समय नियम बना करके अंग्रेजों से वो ले आए, छीन कर ले आए। अंग्रेज इतने जो है आसान नहीं थे। 1932 का जब वो आंदोलन जब वो गोलमेज का सम्मेलन हुआ तो 1932 में जो देखिए 1932 में देखिए साहब 3 बार सम्मेलन करना पड़ा। 1 बार गए, 2 बार गए, 3री बार गए। आज आपको गोंडा 3 बार बुला ले तो आप जो है 4थी बार जाने को तैयार नहीं है। हम 4थी बार जो है जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो थे प्रभुज बाबा साहब थे तो उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने परिवार को कुछ ना देखा। और प्रभुज बाबा साहब जो है वो ले गए और कहाँ ले गए, वो लंदन तक ले गए आपके अधिकारों को पाने के लिए। उन्होंने कहा ये करोड़ों करोड़ों दलित मजलूम गरीब शोषित अगर ये अधिकार पा जाएंगे तो ये बड़ा परिवार मेरा है, मेरा ये परिवार नहीं कि जिससे मैं पैदा हुआ हूँ, केवल यही मेरा परिवार नहीं है। उन्होंने अपने 4 मुसलमानों को, चाहे हिंदू हो उस बालिका को, चाहे उनके जो है बड़े पुत्र को, राजरतन की बात ले लो, पुत्रों को उन्होंने गवा दिया। क्यों गवा दिया? हमारे और आपके अधिकारों को दिलाने में उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। वो छोटे औलादा बच्चा किसका काला नहीं होता? ये बच्चा हमारा प्यारा होगा, हमारा बच्चा हमको प्यारा होगा। तो बाबा साहब भी ये बात सोच सकते थे उनका बच्चा भी उनको प्यारा होता, लेकिन साथियों बाबा साहब इतने प्यारे थे कि वो हाथ